आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। यूनाइटेड फोरम के बैनर तले बैंक कर्मियों ने बुधवार को प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों ने कहा कि सरकार का आश्वासन अब तक नतीजों में नहीं बदला। 5 दिन के कार्य दिवस होने पर ये लाभ अब तक बैंक कर्मियों को नहीं मिल पाया। वेतन समझौते सहित अन्य लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। यूनाइटेड फोरम के विजय कुमार सोनी ने बताया, देखिए हम लोग बैंक कर्मी यूनाइटेड फोरम जो हमारा केंद्रीय संगठन है उसके बैनर तले हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा वेतन समझौता जो कि बहुत पहले हो चुका है उसमें हमारी बहुत सारी लंबित मांगे थी जिनको शीघ्र जो है पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, पर लंबे समय के बाद भी जो कि आश्वासन जो है नतीजों में नहीं बदले, क्योंकि हम लोग यहाँ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें मुख्य जो चीज़ें हैं वो 5 दिवसीय बैंकिंग है, पेंशन का अपडेशन है, इसके अलावा कई कर्मचारी हित की और चीज़ें हैं जिसके लिए आश्वासन दिया गया था वो कार्य हमारे नहीं हुए हैं। ये हम यह बताना चाहते हैं कि जबकि रिजर्व बैंक से लेकर बाकी सारे उपक्रम जो है केंद्र सरकार के सारे उपक्रम सब लोग 5 दिवसीय काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक 5 दिवसीय बैंकिंग की सुविधा नहीं मिली है जबकि आज का डिजिटल युग आ गया है। तो हमारी ये मांग है कि जो हमारी मांगे हैं लंबित मांगे इनका शीघ्र निराकरण हो, इसलिए हम यूनाइटेड फोरम के बैनर तले यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फाल्गुन मास में होली के पहले ही फाग उत्सव का रंग परवान चढ़ गया। मंगलवार की रात फाग उत्सव में जमकर मस्ती का रंग चढ़ा। महलवाड़ा परिसर में मनाए गए फाग उत्सव के ये नजारे देखिए, जहां आकर्षक विद्युत के रंगीन छटा ने उत्सव को रंगीन कर दिया। फाग गीतों के गूंजते तरानों के साथ हर एक शख्स थिरकने लगा। उड़ते गुलाल और हर एक के मोबाइल की जलती टॉर्च ने फाग उत्सव को रोशन कर दिया। मानक चौक स्थित बड़े गोपाल जी के मंदिर में करणी सेना ने फाग उत्सव मनाया। भजनों के तरानों पर महिलाओं ने गरबा नृत्य कर उत्सव मनाया। शहर सराय स्थित मंदिर पर भी उत्सव मनाया गया, जहां महिलाओं ने नृत्य कर फाग उत्सव में मस्ती का इजहार किया। श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण जिला महिला सभा ने फाग महोत्सव का आयोजन कालिका माता मंदिर में किया। महिलाओं ने रंग गुलाल उड़ाकर फूलों के साथ होली खेली और समुद्र भजनों पर महिलाओं ने नृत्य किया।
फागोत्सव में भाजपा दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष मनोनीत होने पर राखी व्यास का सम्मान भी किया गया। फुटपाथ पर दुकानों का सामान रख कर शहर की बिगाड़ी जा रही यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम ने पुलिस बल के साथ जाकर कार्रवाई की। निगम कर्मी पुलिस बल के साथ स्टेशन रोड स्थित स्टेडियम मार्केट पहुंचे। यहां अघोषित रूप से लगने वाली चौपाटी पर चटपटे व्यंजनों की दुकानों को सड़क से पीछे करवाया गया। चौपाटी पर करीब 23 हाथ गाड़ी लगती है जो खान पान की सामग्री विक्रय करती है। इन दुकानदारों ने ठेले के पीछे बैठक व्यवस्था कर कुर्सी लगाई थी जिनकी संख्या कम करवाई गई। चौपाटी के पीछे स्टेडियम मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विक्रेताओं ने अपना सामान दुकानों के बाहर जमा दिया था जिसे निगम ने तत्काल हटवाया। निगम कर्मी ने बताया, चौपाटी पे किस तरह की कार्रवाई की गई है? सर ये ट्रैफिक जाम होता था, बार बार ऊपर से आते जाते थे, ये ट्रैफिक जाम होता है, DI साहब वगैरह बोलते थे, तो आज इनको सारे को व्यवस्थित किया गया पीछे की तरफ आने जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे और व्यवस्थित पार्किंग रहे और इनका भी बिजनेस चलता रहे। हम किसी को हटा नहीं रहे, पर सबको व्यवस्थित कर लाइन से कर। हंसी ठिठोली और मस्ती के पर्व होली का हर एक को इंतजार रहता है। फाल्गुन मास में मनाए जाने वाली होली की शहर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। होली के लिए बाजार सज संवर कर तैयार है। खास तौर पर बच्चों को होली पर नए नए तरह की पिचकारियों का इंतजार रहता है। 2 साल से कोरोना काल के लॉकडाउन ने होली का रंग फीका कर दिया था, लेकिन इस मर्तबा होली का जोश अभी से चरम पर दिख रहा है। बाजारों में सजी पिचकारियों में तरह तरह की स्टाइल आकर्षण का केंद्र बनी है। वहीं नकली बाल, हर्बल कलर, सुगंधित कलर, स्प्रे, कैप्सूल के साथ पक्के रंग और गुलाल की बिक्री की जा रही है। होली के रंगों से लेकर पिचकारियों तक को महंगाइयों के रंगों से रंगा गया। रंगों और पिचकारियों सहित अन्य सामानों पर 5 से 25 रुपए तक के भाव बढ़े हैं। बाजारों में 50 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक की पिचकारियां बेची जा रही है। महंगाई के कारण फुटकर व्यापारियों के मुनाफे में भी कमी होना बताया जाता है। रंग और पिचकारी विक्रेता ने अंबर टाइम्स को बताया। ये क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ गांधी। किस तरह आज पिचकारी आई है और किस भाव में बिक्री है? पिचकारियाँ 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की पिचकारियाँ बाजार में अवेलेबल है। सभी पिचकारियों में प्रेशर गन, टैंक, पाइप और छोटी में गन और कार वाली और बहुत सारी प्रकार की पिचकारियाँ उपलब्ध है। कलर में ऑर्गेनिक कलर का ज़्यादा चलन हो गया है। गुलाल ज़्यादातर हर्बल गुलाल ही बिक रहा है, डिमांड ही हर्बल गुलाल की है। इस बार पटाखे की बहुत श्रृंखला आई है बाजार में स्टैंडर्ड कंपनी के, बहुत सारे पटाखे उपलब्ध है। 2 शॉट, 3 शॉट, 7 शॉट गुलाल वाले पटाखे हैं सभी। गुलाल का स्प्रे भी आया है, बच्चों के लिए कैप्सूल वाले कलर भी आए हैं, फैंसी बाल, टोपिया, पाजे सभी आइटम उपलब्ध है। वह क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ गांधी। वह किस तरह की पिचकारियाँ हैं और किस तरह किस भाव में बिक्री है? पिचकारियाँ 10 रुपए से 1000 रुपए तक की पिचकारियाँ मार्केट में उपलब्ध है। टैंक में 100 रुपए से लेके 500, 600, 700 रुपए तक के टैंक उपलब्ध है। पाइप में भी 10 रुपए से लेकर 300, 400 रुपए तक के पाइप बाजार में उपलब्ध है। कलर में सभी ऑर्गेनिक कलर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कैप्सूल बच्चों के लिए और कैप्सूल वाले कलर उपलब्ध है। फैंसी बाल है, टोपिया है और हर्बल गुलाल, कंपनियों के हर्बल गुलाल, सुगंधित गुलाल, गुलाल के स्प्रे, गुलाल का पंप आदि सभी वेराइटियाँ। टैंक में बच्चों के सभी कार्टून उपलब्ध है, बारबी हो गया, डोरेमोन, भीम, सभी प्रकार की फैंसी रेंज उपलब्ध है। किस तरह की पिचकारियाँ भी आई हुई है? पिचकारियाँ सेल वाली पिचकारियाँ भी उपलब्ध है बाजार में, लाइट वाली पिचकारी, बलून, ज़्यादातर बलून पाइप वाले की ही डिमांड है। सादे बलून जो फुलाने पड़ते थे उसकी जगह पाइप वाले बलून ज़्यादा चल रहे हैं इस बार। ये फोर लेन मंसूर मार्ग पर रिछा चांदा फंटे के समीप मंगलवार की देर शाम को ट्रक
ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात ट्रक चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार दो किसानों की मौत हो गई, वहीं तीन किसान गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया। जानकारी अनुसार ग्राम उसरगार के किसान 60 वर्षीय भगवान सिंह पुत्र सज्जन सिंह, 48 वर्षीय लोकेंद्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह, 20 वर्षीय राहुल पुत्र अनोखीलाल पाटीदार, 30 वर्षीय सुदामा पुत्र राधेश्याम पाटीदार, 40 वर्षीय ठाकुरदास सिंह पुत्र गोपालदास गांव से मंदसौर कृषि उपज मंडी ट्रैक्टर ट्रॉली में लहसुन भरकर बेचने गए। मंडी में लहसुन बेचकर मंगलवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर वापस गांव लौटे। रास्ते में फोर लेन मंदसौर मार्ग पर रीछा चांदा फंटे के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे अज्ञात ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार पांचों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया। मामले की जानकारी देते हुए घायल किसान और परिजनों ने बताया, राहुल पाटीदार, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ? चलते चलते ट्रैक्टर पर देखा गया, पीछे से टक्कर मारी ट्रक ने। किसने टक्कर मारी? पीछे ट्रक था, ट्रक ने टक्कर, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। कितने लोगों को लगी? लगभग करीबन 5 लोग थे। सबकी कंडीशन कैसी? सबके लगी। अभी क्या स्थिति है? अभी मैं ठीक हूँ। दिलीप सिंह देवड़ा उसरगार। ये क्या घटना है? ये मंदसौर गए थे लहसुन बेचने रविवार को, आज आए वहाँ से तो ट्रैक्टर में रिक्शा चंदा के एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वालों ने पीछे से ठोक दी। ये कुल कितने लोग आ रहे थे? ये 5 आ रहे थे, उसमें 2 एक्सपायर हो गए और 3 है। 3 की क्या स्थिति है? 3 की ठीक है, एक का फ्रैक्चर हो गया, एक के सिर में लगी है। ये किसान थे या कोई आम इंसान? किसान थे, तीनों सब किसान थे, 5 लोग। ये कहाँ जा रहे थे? ये उसरगा नामले के पास। इस मामले में जावरा पुलिस ने बताया, अभी शाम को 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी, एक ट्रक और एक ट्रैक्टर की टक्कर हुई थी। ट्रैक्टर में नामले क्षेत्र के रहने वाले 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 की हालत घायल है, लोगों को रतलाम रेफर किया गया है, एक का उपचार जावरा अस्पताल में उपचार रहा है। कौन सी जगह घटना है सर? किसने किससे? अच्छा चांदा डोडर और जावरा के बीच में एक गाँव है, चांदा पंटा, वहाँ की घटना। कितने लोग इसमें घायल हैं? कितनों की मौत हो चुकी है? 3 लोग घायल हैं, 2 को डॉक्टर द्वारा मदद मिल सकती है। कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ से आ रहे थे सर? मैं बताना चाहूँगा, ट्रैक्टर में सवार नामली क्षेत्र के रहने वाले थे, घायल होने तक बाकी अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसी तथ्याएँ आपको सूचित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ताओं को बाल अपराधों की पहचान के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण एवं सह कार्यशाला में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम विषय पर प्रशिक्षण देते हुए विस्तार से बताते हुए कहा कि बाल अपराधियों की पहचान करते समय संवाद का तरीका सरल होना चाहिए, जिससे खुलकर अपराध सामने आ सके। तो उसमें क्या है? एक अच्छा घर, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा वातावरण, मॉस्किटो कोइल, पानी, बेड, ये वो, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं या और कुछ महत्वपूर्ण है? उन्होंने रिसर्च करा। उन्होंने क्या रिसर्च करा कि जो दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों को एक्सचेंज कर दिया, इधर दे दिया उन्होंने इस जगह। अब कोई भी किसी का भी बच्चा हो, हम हो, आप हो, कोई भी लोग हो, बच्चे को हम बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, बड़ा स्नेह देते हैं, लालन पालन करते हैं, दुलार करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बच्चे के लिए वो सारी एक्टिविटीज होती हैं, सब तय होता है। तो वो वाला जो बच्चा था, जो शहर वो अच्छे उसमें एनवायरमेंट में रहने वाला जो बच्चा था, वो गरीब घर में, टूटे फूटे घर में, इन सारे घर में बड़ा स्वस्थ था। उसको कोई सुविधा भी नहीं थी यहाँ पे, उसका तो एडवर्स एनवायरमेंट हो गया, तो भी वो बड़ा स्वस्थ था। और ये वाला जो बच्चा था वो वहाँ पे स्वस्थ नहीं रहा, जबकि उसको वहाँ सब मिल रहा है, एसी मिल रहा है, अच्छी एनवायरमेंट मिल रहा है, सोने के लिए व्यवस्था मिल रही, मच्छर भी नहीं काट रहे सारे, फिर भी वो स्वस्थ नहीं था। बताओ क्यों? क्यों स्वस्थ नहीं था वो? क्या कारण था उसका? बच्चे को सब कुछ दे दो आप, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसके पास होना जरूरी है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।